एक तरफ है टाइटंस एपिक्स, दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेंगे G9, और ये होगा आज के दिन का अंतिम बेस्ट ऑफ थ्री सीरीज। बट यहाँ पे लीजिए अमायरा और अमित्राज़ बिल्ड यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। एपिक्स अमायरा के साथ आते देखेंगे, G9 अमित्राज़ बिल्ड के साथ शुरुआत हो चुकी है। कोशिश यहाँ पे यही रहेगी कि एक डोमिनेशन वाला फैक्टर निकल के आए, शेकअवर्स का इनिशियल इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ लाइटनिंग का भी यहाँ पे देखिए एक अच्छा निवेश। लीप स्ट्राइक बिल्कुल कनेक्ट होगी, वो चिप डैमेजेस दोनों ही तरफ से दे दी गए हैं। स्पीड में थोड़ा रोकेंगे तो, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले 1500 HP के आसपास तो जरूर से स्किप टावर को गिरा दिया जाएगा। बिल्कुल, काफी हैवी डैमेज यहाँ पे डील किया गया है, और वो जो स्पेयरमैन आए वैल्यू निकालने की कोशिश बहुत अच्छी, समहाउ खत्म करेंगे उन चेकावर्स को। अमायरा बनाम अमित्राज़ की ये फाइट है, और देखिए अमायरा डेक भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। मैं अमायरा डेक पर्सनली यूज़ करता हूँ, एंड यू नो हम जानते हैं अगर सही से पेटल डांस का इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा आसानी से टेक डाउन कर सकती है ओपोनेंट को। हालांकि वो समन ऑफ लाइटनिंग जो मौजूद है G9 की डेक में, वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा जब तक पेटल डांस का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। तब ब्लेसिंग वेव सहायता ज़रूर करेगी वरुण की, लेकिन वरुणा टेक डाउन हो जाएंगे रॉयल आर्चर्स की तरफ से। वो जो तीर आए उनके साथ डैमेज डील करने की कोशिश बहुत है G9 की, बट एज ऑफ नाउ बहुत कम चिप डैमेज वो डील कर पाए हैं। लेकिन गेट ऑफ सोर्सेस का इस्तेमाल, और उसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा उस बैटरिंग रैम। सेंचुरियन के साथ पेयर किया गया, लेफ्ट साइड में डिफेंड कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या करेंगे टाइटन एपिक्स? ये बड़ा ही सरप्राइजिंग था। देखिए बैटलिंग रैम का आना गेट ऑफ सक्सेस पर, उसके बाद सेंचुरियन का जैसे आपने कहा पेयर कर दिया गया, उससे काफ़ी ज़्यादा ये डैमेज एम्पलीफाई होता हुआ दिखा। और लेफ्ट साइड का जो गार्ड टावर है वो तो निस्तनाबूत हो ही चुका है। अब बात आती है अगर कीप टावर की, तो उस पर भी काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे दिया जाएगा। जहाँ शुरुआती तौर पर लगा था कि टाइटन एपिक्स काफ़ी ज़्यादा वेल बिल्ड देखने को मिल रहा है, उनकी तरफ से कहने की काफ़ी वैल्यू आ रही है, वहीं अगर आप देखें तो हैरानी दर्श अभी थोड़ा सा परेशान तो ज़रूर से हो चुके हैं। बट मुशाशी इन स्पीमेंस को टेक डाउन करने की पूरी कोशिश करते हुए देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं आने वाली है फिलहाल। लेफ्ट साइड का जो गार्ड टावर था वो टूट दिया जाएगा, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिलहाल यहाँ पे बाकी गार्ड टावर्स की, तो आप देख सकते हैं राइट साइड का गार्ड टावर ऑलरेडी काफ़ी डैमेज है, लेकिन आ चुके हैं मायरा। लेकिन ध्यान रखिए डांस ऑफ द सन और लाइटनिंग का जो पेयर है बहुत परेशान करेगा। भले आपके पास मौजूद हो वो बैंकें जो कि आधा डैमेज अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन फिर भी डांस ऑफ द सन इस्तेमाल किया जाएगा वो समन ऑफ लाइटनिंग। अमायरा की HP कम, सेंचुरियन खत्म करेंगे अमायरा को, चेकअवर साइज जरूर परफ्यूम ऑफ टेम्पटेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन गार्ड टावर पे कनेक्ट ही नहीं होने दे रहे हैं कोई भी यूनिट, इवन वो बाइकिंग एम्बुशर्स उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया गया। और इसी वजह से जहां कोशिश थी उस गार्ड टावर को अपने नाम कर लेने की, पूरी तरह से नाकामयाब होंगे। बैटरिंग रैम मुसाशी और दोरावर के साथ काउंटर करना चाहते हैं, अगर एक हिट भी आई तो दिक्कतों में आ जाएंगे। एक हिट आएगी तो मेडल भी अपने नाम कर ले जाएंगे G9।